वही ग्वालियर में लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना में शामिल कर्मचारियों और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को उनके आइडेंटिटी कार्ड को ही देखकर प्रवेश किया जाएगा। करीब 1000 पुलिसकर्मी मतगणना के दौरान MLB कॉलेज में उपस्थित रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने मतगणना से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि शाम 4 बजे तक ग्वालियर संसदीय क्षेत्र का परिणाम घोषित किया जा सकेगा। पोहरी और करेरा में मतदान केंद्रों की संख्या अधिक होने के कारण वहां 19 और 20 राउंड मतगणना के रखे गए हैं, जबकि 3 विधानसभाओं में 13-13 राउंड की मतगणना होगी। भितरवार विधानसभा में 21 टेबल लगाई जाएगी, जबकि अन्य विधानसभा में 16 टेबल लगाई जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के निर्देश अनुसार ग्वालियर संसदीय लोकसभा क्षेत्र के मतगणना के लिए 4 तारीख को MLB कॉलेज में 8 बजे हम लोग मतगणना प्रारंभ करेंगे। 6:30 बजे हम अपने EVM के स्ट्रांग रूम को खोलेंगे और उसी के साथ ही हमारे काउंटिंग एजेंट्स और काउंटिंग की पूरी टीम का MLB में प्रवेश प्रारंभ होगा। ये प्रवेश सभी लोगों का विद ID कार्ड होगा, यानी अधिकृत लोग ही अंदर आने के लिए परमिटेड रहेंगे। इन लोगों के पास में मोबाइल फोन, लैपटॉप, कोई कैलकुलेटर्स इत्यादि की परमिशन नहीं रहेगी। जो निर्धारित आई कार्ड अपना लाएंगे उनको बड़ी स्मूथली अंदर हम लोग अपने उनके कक्षों तक पहुंचाएंगे और 8 बजे जो विधिवत समय है उसमें काउंटिंग प्रारंभ की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 1000 पुलिसकर्मी अलग अलग ड्यूटीज में ऑफिसर्स और सभी लोग पोस्टेड रहेंगे और इस पूरी व्यवस्था का जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करेंगे।